सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स, आप सभी आ जाओ। और अजीत मेहता सर आ गए हैं फिजिक्स के क्वेश्चनों को लेके। डियर, आपको पता है कि आपका 68 BPSC नॉकिंग कर रहा होगा आपको। ऐसी स्थिति में क्या आप पूरी तरह से तैयार हो 30 नंबर को प्राप्त करने के लिए? तो ये जो सेशन की जो मैं एपिसोड डाल रहा हूँ डियर, इस एपिसोड से आपको 30 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे डियर। तो मैं वैसे क्वेश्चंस को फिजिक्स का, फिर मैं केमिस्ट्री की सीरीज चलाऊंगा, और फिर मैं बायोलॉजी की सीरीज चलाऊंगा, फिर मैं नैनो साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज चलाऊंगा डियर, इन्वायरमेंटल साइंस की सीरीज चलाऊंगा डियर, सो डैट कि आपका 30 नंबर बिल्कुल ही पक्का हो जाए इस 68 BPSC में डियर। बस कुछ चंद दिनों में ही आपके BPSC के एग्जाम्स होने हैं। तो आप सभी तमाम बिहार वासी और जिन लोगों ने 68 BPSC को डाला है वो तैयार हो जाए मेरे साथ। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेशन, हम आपको कुछ बातों को बताना चाहते हैं कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास बहुत जल्द शुरू हो रही डियर। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, राइट? और आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पर फॉर साइंस की क्लासेस के लिए, या फिर officer.official@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हो। सेम वे डियर, इन्वायरमेंटल साइंस की क्लासेस भी शुरू हो रही है फॉर JPSC और UPSC के लिए। और अगर बात करते हो तो इकोनॉमिक्स क्लासेस मैं शुरू करूंगा डियर, ये BPSC मेंस के लिए, और आपके JPSC मेंस के लिए जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस है और साइंस की क्लासेस है ये मैं बहुत जल्द आपको लेके आ रहा हूँ डियर। माई सेल्फ अजीत मेहता सर, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड BSc केमिस्ट्री, 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन IAS अकेडमी एंड IBS प्राइवेट लिमिटेड, और माई मेजर फोकस एरिया टू टीच इज दैट इज BPSC एंड JPSC। फाइन, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको एक और गुड न्यूज़ दूँ डियर कि जैसे कि आपको पता है कि झारखंड में वैकेंसियों के भंडार लगने वाले हैं, ऐसे में आपका झारखंड जो होगा स्पेशल होगा, जिसमें कि झारखंड की जनजातियाँ, इससे मैं आपका सेशन शुरू करूंगा। 15 फरवरी से हमारे सेशन हो रहे हैं डियर, ये हमारे पेड कोर्स है डियर, इट इज़ आवर पेड कोर्स। इस पूरे पेड कोर्स में डियर 1000 में, जस्ट 1000 में आपको मैं पूरे झारखंड की क्लासेस कराऊंगा डियर। फाइन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइन, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, फिजिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है डियर। पहला, कंसीडर द फ्लोइंग, निम्नलिखित पर आप विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा विद्युत का चालक है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से, ये जो आपके चॉइस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है किससे होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो सकती है और कौन विद्युत का चालक है, माइका, ग्रेफाइट, सल्फर या ह्यूमन बॉडी। ओके, बस मैं आपको फ्यू सेकंड का टाइम दूंगा डियर, इस टाइम के बाद आप है ना आंसर करोगे। तो समय शुरू होता है आपका अब। चलिए मैं आंसर करता हूं डियर, आंसर होगा 2 और 4, मतलब ग्रेफाइट और ह्यूमन बॉडी से आपका क्या है, करंट को प्रभावित किया जा सकता है। इट मींस माइका और ये जो सल्फर है ये आपके हीट के क्या होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं डियर, बैड कंडक्टर होते हैं, मीन्स ऊष्मा के या सॉरी ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होंगे, कुचालक होंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट। सो माइका एंड सल्फर आर द इंसुलेटर। तो आपसे पूछा जाए इस माइका का प्रयोग और ये सल्फर का प्रयोग किस रूप में करते हैं, इंसुलेटर के रूप में करते हैं, मतलब ये किसी भी हालत में कंडक्शन का प्रयोग नहीं करेगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज का, राइट? नेक्स्ट, इफ यू लुक एट द फ्लोटिंग पीसेस ऑफ आइसबर्ग ऑन द सी, अगर हम किसी समुद्र में बर्फ के टुकड़े को तैरते हुए देखते हैं तो आपको बताना है कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट फ्रैक्शंस ऑफ इट्स विजिबल अबव द सी लेवल। कहने का मतलब है अगर आपका ये सी है और सी पर अगर आइस का टुकड़ा फ्लॉट कर रहा है तो आपको बताना है कि आइस का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहेगा डियर। यहाँ से दो क्वेश्चंस बनती हैं, अगर इसी आइस के टुकड़े को पानी में डालोगे तो कितना भाग अंदर रहता है और कितना भाग बाहर रहता है। आपको यहाँ बताना है कि समुद्र में अगर पानी के टुकड़े, बर्फ़ के टुकड़े को तैराया जाता है तो आपको बताना है कि बर्फ़ का टुकड़ा का कौन सा भाग ऊपर दिखेगा, ओके, जो आंखों से आपको दिखेगा। आंसर होगा डियर 1/8, मतलब 1/8 भाग, 1/8 भाग आपको ऊपर दिख रहा है। तो अगर आप माइनस कर दो 1 - 1/8,
तो क्या हो जाएगा डियर, 7/8 पार्ट क्या है समुद्र के अंदर धंसा हुआ रहता है और 1/8 पार्ट जो है आपको ऊपर दिखता रहता हुआ जब बर्फ का टुकड़ा पानी में समुद्र के पानी में तैर रहा हो। अप्रॉक्सीमेटली 1/8, अगर आपको कभी कभी ऐसा करता है ना इसको परसेंटेज में पूछ देता है तो आप बताओगे कि 12.5% 12.5% ऑफ द आइस विजिबल एबव द वाटर एंड 7.8 दैट इज 87.5% ऑफ द आइस इज सबमर्ज बिलो द सरफेस। तो ये समुद्र है, समुद्र के ऊपर 12.5% और समुद्र के नीचे देखोगे तो 87.5% जो है ये बर्फ का टुकड़ा जो है तैरता रहता है। ओके, अगर आप बात करोगे कि वाटर में, अगर वाटर में बात करते हो तो 1/10 पार्ट जो होता है बिकॉज द कॉम्पैक्ट पार्ट इज रिलेटिवली डेंसर। ओके, ये डेंसिटी के कारण हो जाता है डियर। तो ये जो 1/10 पार्ट है ये आपको दिखता है, ऊपर दिखता है 1/10 पार्ट। तो धसा कितना रहता है, 1-1/10 मीन्स 9/10 पार्ट क्या होता है, धसा रहता है। ये किसके कारण होता है सर, तो डेंसिटी के कारण होता है। पानी और समुद्र के पानी में डेंसिटी का डिफरेंस होता है, इस डेंसिटी के डिफरेंस के कारण ही, घनत्व के कारण ही ये क्या होते हैं, तो इनमें जो सबमर्ज कैपेसिटी होती है कम और ज़्यादा होती है। तो आप देखो कि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा है कि नॉर्मल पानी का घनत्व ज़्यादा है। ओके, तो इसके आधार पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि इसका कितना भाग। आपको माइंड में ये रखना है कि अगर ये सी है तो 1/8 पार्ट ऊपर रहेगा, अगर यह पानी है तो 1/10 पार्ट ऊपर रहेगा, इसमें से करोगे तो 7/8 पार्ट नीचे रहेगा और 9/10 पार्ट क्या होगा, समुद्र के या पानी के नीचे रहेगा। ये आंसर्स और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आते हैं डियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज या आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ट्यूबलेस टायर इन द एयरक्राफ्ट। वायुयान में ट्यूबलेस टायरों का उपयोग करने के क्या उद्देश्य हैं, मीन्स अगर हम जो वायुयान लगाते हैं, जैसे एरोप्लेन अगर उड़ती है, आपने देखा होगा कि ये जो एरोप्लेन होता है डियर, इस एरोप्लेन के अंदर इस एरोप्लेन के अंदर जो टायर लगे होते हैं, ये जो एरोप्लेन के अंदर टायर लगे होते हैं, ये टायर कैसा होता है डियर, ट्यूबलेस टायर होता है। इसका क्या रीज़न है, आप देखो पहला चॉइस में देखोगे टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिटेक्टिंग द टायर फ्रॉम द रिम्स। एक तो पहला ऐसा कंडीशन है कि चूंकि इतनी घर्षण के साथ ये टकराती है हेलीपैड्स में, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि टायर से इसकी रिंग निकल जाए। टू मेक दैम विथ स्टैंड द शॉक बेटर, ये जो आपका जो शॉक होता है उसको अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व करने के लिए। टू अलाउ दैम विथ स्टैंड हीट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चूजन गिवन बिलो। ओके, तो आप देख सकते हो टू अलाउ दैम द विथ स्टैंड द हीट, तो ये जो स्टैंड जो हीट है, मतलब ये जो टकराती है, इससे जो हीट निकलता है, इस हीट को कम करने के लिए, अदरवाइज अगर टायर रहेगा तो वो ब्लास्ट कर सकता है डियर। तो क्या इसके आंसर होंगे, आंसर होंगे डियर 1, 2 और 3। ये तीनों पॉइंट को देखते हुए हम ट्यूबलेस टायर का प्रयोग करते हैं। अब देखो द एयरक्राफ्ट टायर नीड टू एक्सेलरेट फ्रॉम स्टैंड टिल टू ए हाई स्पीड। जब ये हाई स्पीड से आता है तो इसका एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है डियर, तो काफ़ी देर तक मूव करता है, इसके कारण यहाँ पे हीट जनरेट हो सकता है। और यह इतनी देर मूव करने का हो सकता है, अगर ये टायर अगर ट्यूब वाली हो तो यहाँ से रिम इससे बाहर निकल जाए। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस द एयर प्रेशर पंचर प्रूफ एंड दे कैन विथस्टैंड द शॉक बेटर्स और हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लैंडिंग्स। इन सबों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्यूबलेस टायर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पीस ऑफ आइस, हम दो बर्फ के टुकड़ों को लेते हैं एट 0°C वुड फ्रीज टुगेदर। ओके, इफ प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड देन रिलीज इन दिस कॉन्टैक्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रिंसिपल इन एक्शन इन दिस। अगर हम दो बर्फ के टुकड़ों को लेते हैं, दोनों को 0°C पर क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, और इसमें फ्रीज करने के दौरान क्या होता है, हम इस आइस के टुकड़े को, फिर इस आइस के टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं, अगर एक दूसरे से प्रेस करते हैं, एक दूसरे से प्रेस करते हैं तो क्या घटना हो सकती है। देखो, जब 0° पर बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ जमेंगे, यदि एक दूसरे के खिलाफ दबाया जाए फिर छोड़ दिया जाए, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएँ होंगी। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है डियर, VVI क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चनों को पूछने की संभावना आज की डेट में बढ़ रही है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस डिक्रीज विथ प्रेशर,
आपको पता है कि जो आइस होता है, आइस का अगर मेल्टिंग पॉइंट है, अगर प्रेशर को कम करोगे तो जाहिर सी बात है ये तापमान बढ़ जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, मतलब ये पहले ही क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इंक्रीज विथ प्रेशर, और अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस क्या है, प्रेशर देने से, दाब देने से बढ़ता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले उसके मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा, इंक्रीजमेंट आएगा, फिर क्या हुआ, डिक्रीज करेगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज विथ प्रेशर, ओके। आंसर होगा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस डिक्रीज विथ प्रेशर, दाब के बढ़ने से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है, वह क्या होता है, घट जाता है। डियर डिस्क्रिप्शन देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस डिक्रीज विद द प्रेशर इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.0072 डिग्री सी पर एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से देखोगे तो एक प्रेशर आप करोगे ना तो 0.072 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। दैट इज कॉल्ड हीट रेगुलेशन विच वॉज डिस्कवर्ड बाय द फ्राडे। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था डियर, तो फ्राडे के द्वारा डियर किया गया था, एंड अकर्स एट सम 0°C और वेरी स्लाइटली लेस टेम्परेचर, और ये घटनाएं 0° या उससे कम के टेम्परेचर में पहुंच जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस डिक्रीज करता है विच इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.0072 डिग्री प्रेशर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है डियर, तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को आपको लेके आया हूँ कि आपका सिलेक्शन निश्चित है, ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस वुड हैपन ओनली इफ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब ए रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। देखो आपको कई बार आपने देखा, अगर लाइट पड़ा होगा, प्रकाश पड़े होंगे, तो ये रेयरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। जैसे देखो ये डेंसर मीडियम क्या होता है, घना माध्यम होता है, और ये क्या होता है, हल्का माध्यम होता है। तो ये मान लो कि यहाँ पे ये एयर में है और यहाँ पानी है, तो पानी से एयर में जाएगा तो ये क्या होगा, आप देख सकते हो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, ओके। तो आपको बताना है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम, मतलब जब पानी से हवा में जाए। द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जब पानी हवा से जब लाइट हवा से पानी में जाए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो जो जिससे मान लो ये जो आपका डेंसर मीडियम है, यहाँ से जो लाइट यहाँ से टकराई और टकरा के जो लाइट वापस जाती है, ओके, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ओके। ये प्लेन मिरर की घटना है डियर। तो कह रहा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लो यहाँ से लाइट गई और यहाँ टकरा रही, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ क्या है, डेंसर मीडियम ज़्यादा होता है, किससे, तो क्रिटिकल एंगल से। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, या फिर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो रेयरर मीडियम का। तो आपको बताना है किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती है डियर। तो आंसर होगा 1 और 3, मीन्स इट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये हमेशा याद रखना, जब यह पानी से, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ऊपर जाता है, तभी ये आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, और एंगल ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी एक्चुअली क्रिटिकल एंगल से जब भी ज़्यादा होगा तभी डिटेल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगा। ये आप हमेशा मान लो, क्योंकि यह डेंसर से रेयर की घटना है, इसलिए डेंसर का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होना चाहिए। फॉर द रे ऑफ लाइट टू सफर ए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन द नेसेसरी कंडीशन आर एज फॉलो। द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, मतलब जो रेज है, अगर आप यहाँ से टकरा रहे हो तो ये मीडियम क्या होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, रेयरर होना चाहिए, ओके। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी जाके आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन हियर द साउंड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज विच ह्यूमन कैन नॉट हियर, मतलब वैसी आवृत्ति रेंज की ध्वनि जिसको मानव नहीं सुन सकता है उसको कौन सुनता है। जैसे बैट, जिसको आप चमगादड़ कहते हैं, डॉग कुत्ता है, या डॉल्फिन है, आपको बताने हैं डियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट।
इस सवाल को जवाब को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा डियर, सबसे पहले यह देखना होगा कि आपके ध्वनि का रेंज कितना है, मानव के ध्वनि का रेंज कितना है। तो अगर देखोगे यह साउंड है, इस साउंड का रेंज कितना है जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो 20 kHz या 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि को मानव सुन नहीं पाता है। तो फिर इस ध्वनि को सुन कौन पाता है? इस ध्वनि को सुन पाता है बैट्स, चमगादड़, कुत्ते और डॉल्फिन, ये तीनों के तीनों सुन लेते हैं डियर। देखो ह्यूमन ऑडिबल्स रेंज इज फ्रॉम 12 to 16 hertz to 20 hertz। मनुष्य जो है एक्चुअली ये 20 hertz ले लो, 20 hertz से लेकर 20,000 hertz की फ्रीक्वेंसी को मानुष क्या है अच्छी तरह से सुन पाता है। इन डॉग इट इज विद इन द रेंज ऑफ एक्रोपेक्टली ये कितना है 14 hertz to 16,000 hertz तक की ध्वनि को कौन सुन पाता है, कुत्ते सुन पाते हैं। डॉग विथ स्टाइल आर बोर्न एज द 22,000 से लेकर 25,000 तक क्या है कुत्ते जो है ध्वनि को सुन सकता है। विच सीम्स साइलेंट टू अस बट कैन ब्रिंग ए डॉग इन एक्शंस थस यूज इन द ट्रेनिंग। बैट जो होता है वो किसको यूज कर लेता है, तो ये आप देखोगे 20 hertz से ऊपर मतलब से लेकर 12,000 hertz की ध्वनि को सुन पाता है। एंड डॉल्फिन का रेंज क्या है 150 kHz या 150,000 hertz की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है। मोरलेस आप यह देखोगे कि जो बैट्स हुआ और फिर ये जो डॉल्फिन्स हुआ और ये जो फिर डॉग हुआ, ये तीनों जो है 20,000 hertz की ध्वनि को आराम से ऊपर की ध्वनि को सुन पाता है जिसे मानव नहीं सुन पाता है। सो आंसर होगा द बैट्स, डॉग एंड डॉल्फिन तीनों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इको आर हर्ड व्हेन वी शाउट इन एन एम्प्टी हॉल। देखो अगर खाली कमरे में जैसे दीपावली के दिनों वगैरह में आपने खाली कमरे सामान को निकाल दिया, तो जब यहाँ पे बोलोगे ना तो आप साउंड क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है एम्प्टी हॉल में क्या होता है इको प्रोड्यूस होता है। बट व्हेन द हॉल इज फुल ऑफ पीपल नो इको आर हर्ड, व्हाई, इसका कारण क्या है। लेकिन इस कमरे में सामान रख दो या फिर पीपल्स को बैठा दो तो आप देखोगे कि इको प्रोड्यूस नहीं होता है, इसका रीजंस क्या है। इको आर सबड्यूज इन द नॉइज ऑफ पीपल, सॉफ्ट क्लॉथ्स ऑफ पीपल एब्जॉर्ब साउंड इन स्टेड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग इट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड टेकन पैलेसेस या एक्सेसिव रिवर्वरेशन टेक्स पैलेस, या साउंड का जो है एक्सेसिव रिवर्वरेशन हो जाता है। आंसर क्या होगा एक्सेसिव रिवर्वरेशन टेक्स पैलेस ऑफ साउंड। एक्चुअली क्या होता है ना, जब साउंड यहाँ से जाता है ना, तो यहाँ पे मान लो ये कपड़े हैं, फिर ये वस्तु हैं, ये आदमी है, ये आदमी, इससे रिफ्लेक्शन, इससे रिफ्लेक्शन, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसे साउंड का रिवर्वरेशन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में इको प्रोड्यूस नहीं होता है अगर उस कमरे में सामान रख दो या उस कमरे में पीपल्स को बैठा दो। अगर आप बात करोगे इको प्रोड्यूस होने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 16.6 meters का होता है डियर, या आप मान सकते हो अप्रोक्स 17.7 meters का ये डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस पर अगर साउंड प्रोड्यूस करोगे तो चांसेस है कि ईको आ जाए। लेकिन अगर इस डिस्टेंस के बीच में आप कुछ कपड़े को डाल दो, कुछ पीपल्स को बैठा दो, तो ये चांस बनता है कि रिवर्वरेशन ऑफ साउंड हो जाए और फिर ये आपको ईको प्रोड्यूस ना करे। मैं आपको कहूँगा डियर कि आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करो मेरे से फॉर जनरल साइंसेस की क्लासेस के लिए, या फिर officerpoint@gmail.com पर आप मेरे से बात कर सकते हो डियर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं JPSC के लिए बेहतरीन से बेहतरीन साइंस की क्लासेस, इकोनॉमिक्स की क्लासेस और EBS की क्लासेस शुरू करूँगा डियर। फाइन, सो इको आर हर्ड व्हेन वी शर्ट इन एन एम्प्टी हॉल्स, बट व्हेन द हॉल इज फुल ऑफ द पीपल नो इको आर हर्ड एक्सेसिव रिवर्वरेशन टेक्स पैलेस। देखो जिसको भी हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो डियर बताना, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर साइंस की मैटर है ना तो साइंस में आपको जरूर से इंग्लिश समझना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडर द फ्लोइंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, विच ऑफ द एबव कैन फॉर्म ए रियल इमेज। आपको बताना है कौन रियल इमेज को बनाता है, मतलब जिसमें इमेज जो है हमेशा रियल बनता है डियर, इन्वर्टेड नहीं बनता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है। आंसर होगा 1 and 3। देखो ये जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या है डियर
कॉनकेव मिरर, इस तीनों दोनों में क्या बनता है? तो रियल इमेज बनता है, बाकी में आप काल्पनिक इमेज बनते हैं डियर। ओके, कॉनकेव लेंस कैन नॉट फॉर्म ए रियल इमेज। तो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो रियल इमेज नहीं बनाता है। सिमिलरली द प्लेन मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सब क्या बनाते हैं? इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। और बाकी जो कॉन्वेक्स है ये क्या बनाता है डियर? कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या बनाता है? ये रियल इमेज बनाता है। ठीक है, ये मिरर की बात हो रहा है और लेंस जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये इसको बार बार आप रिविजन कीजिएगा डियर, क्योंकि इससे आपको काफी कंफ्यूजन एग्जामिनेशनों में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाइल चूजिंग फॉर ए मटेरियल्स फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूल्स व्हाट शुड बी टेकन केयर ऑफ। अगर आप किसी ऐसे मटेरियल का चुनाव करते हैं जिसका आप फ्यूज के रूप में यूज करोगे तो आपको क्या देखना चाहिए? द मटेरियल शुड हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या वह जो धातु या मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए, उनकी गलनांक बिंदु कम होनी चाहिए। द मटेरियल शुड हैव लो रेजिस्टेंस, या फिर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। द फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द मेन स्विच। और जो स्विच में जो आप फ्यूज को लगाओगे क्या वह पैरेलल कनेक्शन में लगाओगे डियर? देखो, पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? आपने इस तरह से एक सर्किट बनाओगे, फिर एक कॉमन सर्किट है, फिर यहाँ से निकालोगे, फिर यहाँ से ये कॉमन सर्किट है, फिर ऐसे निकालोगे, ऐसे करोगे, ये क्या होता है डियर? तो ये पैरेलल होता है। और सीरीज में देखो, ऐसे कनेक्शन करोगे, ऐसे कनेक्शन करोगे, ऐसे कनेक्शन करोगे, तो ये क्या होता है? सीरीज होता है। तो आपको बताना है कि फ्यूज सीरीज में होता है, सीरीज कनेक्शन होता है जिसको कहते हैं श्रेणी, या फिर ये पैरेलल में होता है डियर। तो आंसर आपका रहा स्क्रीन पर ये 1 and 2 आर करेक्ट। मतलब द मटेरियल शुड बी हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट, तभी ना सर्किट लगेगा तो वो गल जाएगा। और दूसरा क्या है? मटेरियल शुड हैव लो रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा डियर तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में क्या करेगा? वो स्लो कर देगा। सो इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ टाइप ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना डियर, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोगों से पूछा जाता है और इसमें मिस्टेक्स होता है। डैट एक्ट एज ए sacrificial devices to provide our current protections if the either the load or the sources of circuit। अगर सर्किट में काफ़ी लोड्स हो गया है तो आपको protections देता है। कब? जब यह वायर खुद अपने आप में क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होने के लिए मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, और आपको अवरोध ना बने इलेक्ट्रिक कंडक्शन में, इसलिए क्या होना चाहिए? लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। द फ्यूज इज अरेंज। अब देखो, फ्यूज को जो अरेंज किया जाता है वो किसमें डियर? तो अरेंज इन ए सीरीज, सीरीज कनेक्शन में अरेंज किया जाता है, ना कि पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि फ्यूज के तार कैसे होंगे? तो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, और क्या होंगे? ये सीरीज में कनेक्ट होंगे डियर। फाइन, आइए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग। आपको बताना है प्रकाश वर्ष इसमें से किसकी इकाई है? डिस्टेंस की, टाइम की, प्रेशर की, या पावर की? आंसर हुआ ये आपका, ये किसकी इकाई है डियर? तो डिस्टेंस की इकाई है। मतलब जब सन से अर्थ की जो दूरी मापी जाती है डियर, वो किस में मापी जाती है? तो लाइट ईयर में, मतलब एक्चुअली वैक्यूम के अंदर। ये किस में डियर? तो वैक्यूम के अंदर मापा जाता है। तो 1 light year ऑफ डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 year। तो जो निर्वात में, वैक्यूम में जो सन से जो लाइट चलता है, वो वैक्यूम में 1 साल में जितना चल लेता है उसे ही क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। और लाइट ईयर को 9.46 × 10⁻¹⁰ मीटर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एक्चुअली दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके, में मेजर किया जा सकता है। आप कह सकते हो 1 light year इज 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। ये भी कई बार यूनिट में पूछ लिए जाते हैं, जैसे लाइट ईयर डियर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर पार्सेक, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं डियर ये फिजिक्स के टॉप 10 आपके क्वेश्चंस हुए, जो आपके एग्जामिनेशन में 100% आने की पॉसिबिलिटीज है डियर। तो इनको ज़रूर देखिए और अपना 30 नंबर पक्का कीजिए। ग्रेजुअली मैं सीरीज को बढ़ाता चल जाऊँगा। आज अब मैंने आपको क्या दिया है? फिजिक्स दिया है। तो हो सकता है कल मैं आपको बायोलॉजी दूँ, फिर मैं आपको क्या दूँ, फिर मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी दूँ। ओके डियर, थैंक यू, विल मीट वेरी शून। तब तक के लिए मैं आपको यही कहूँगा
कि हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें डियर। नेक्स्ट जो आपकी होगी क्लासेस ऑफिशियल पॉइंट पे होगी, ठीक है। इस ऑफिशियल पॉइंट पे क्या होगी, 68 बीपीएससी की क्लासेस होगी डियर। ओके, सेम वे ऑफिशियल पॉइंट पे आपकी किसकी क्लासेस होगी, तो 68 बीपीएससी की बायोलॉजी की क्लासेस होगी डियर। सो ऑफिसर्स पॉइंट्स को आप सब्सक्राइब करें, ऑफिसर पॉइंट्स फॉर साइंस क्लासेस। थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून। आप इस टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, इस पीपीटी को आप ले सकते हो टेलीग्राम पे डियर। थैंक यू, और मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं यही कहूँगा बेल आइकन को पुश करो डियर, ताकि आपको नए से नए क्लासेस को मिल जाए डियर, और एक भी क्लास आपका मिस ना हो। आई होप यू विल गेट बेनिफिटेड। थैंक यू, मीट वी विल मीट सून वेरी 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 ऑफन।